और लेट्स ड्रॉ अ थ्री डायमेंशनल हट। फॉलो सम सिंपल स्टेप्स। आप एक 60 डिग्री ट्राइंगल बनाएंगे, जो एंड है हट का उस पे भी एक 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। मेक श्योर करना है कि लाइन सारी इक्वल एक्सटेंड हो। उसके बाद में आप बिल्डिंग की सेंटर लाइन है उसको जॉइन कर देंगे दो दूसरे एंड से। अब दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, एक रूफ के पैरेलल और एक फ्लोर के पैरेलल, और उससे आप एक विंडो बना देंगे। विंडो बनाने के बाद में आप दरवाजा बनाएंगे। दरवाजा बनाना बहुत सिंपल है, पीछे की ग्लास बनाएंगे और 3D हट रेडी है। अब इसके अंदर और डिटेल्स डालेंगे, रूफ की हेड्स हैं वो बनाएंगे, रूफ की डिटेल्स डालेंगे और खिड़की में जो शैडो पड़ रही है वो डालेंगे, जो रूफ कनेक्ट हुई है वो बना सकते हैं। अब कलरिंग शुरू करेंगे। वी विल यूज 45 डिग्री एंगल टू कलर इट एंड यू कैन यूज एनी कलर फॉर द रूफ, बट आई हैव चोजन शेड ऑफ रेड, सो आई हैव यूज ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन टू मेक द रूफ, सो दैट एक अच्छा सा शेड आए उसमें और एक अच्छा लगे पूरा कंप्लीट होते हुए। इस तरीके से इसको कलर करेंगे। कलर करना बहुत आसान है। और अब कलरिंग में ध्यान रखना है कि लाइट टू डार्क जाएंगे, पहले लाइट फिर डार्क। मैंने एक सिंगल कलर लिया, आप सिंगल कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। आप पूरी रूफ कंप्लीट करने के बाद में जो वॉल्स हैं उसको करेंगे, वॉल्स के अंदर दो शेड्स में कलर करेंगे, मस्टर्ड और डार्क येलो या डार्क ब्राउन ले सकते हैं आप, वो कलर से आप कलर करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा येलोइश टिंच पे आप कलर ले सकते हैं। ऐसे कलरिंग करेंगे ब्यूटिफुली। कलरिंग देखिए 45 डिग्री एंगल से किया है, आप कोई भी कलर मीडियम यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स, स्केच पेन्स, और यू कैन यूज पेंट कलर्स इफ यू वांट। पेंट कलर्स हैं, पेंट कलर्स के वाटर कलर पेंसिल्स। शैडोज भी डाली है मैंने इसके अंदर, आप देखेंगे शैडोज हैं और आउटलाइन है, फिर से आउटलाइन करी गई है, शैडोज डाली गई हैं, तो वो सब चीजें याद रखेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके कलरिंग करेंगे। ब्यूटीफुल एनहांस करने के लिए ब्लैक या डार्केस्ट ब्राउन जो आपके पास है वो यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पहले आप आउटलाइन भी कर सकते हैं सीधी राइटिंग मार्कर पेन से।